सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तत्तो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय बधाने समान गणी युद्ध माटे तैयार थई जा, एम करवाथी तू पापनो भागी नहीं थाय। अध्याय बे सांख्य योग। श्लोक नंबर 38। श्रीमद भगवद गीताना श्लोक में भगवान श्री कृष्णे स्थित प्रज्ञानी स्थिति विषे आम समझाव्यु छे। अहीं कर्म करता पहला आपणे जे सुख दुख लाभ हानि जय पराजय वगैरेनो विचार ज कर्या करीए छीए ते बधुं ज छोड़ी मात्र कर्म पर ध्यान देवानुं कहेवामां आव्युं छे। आम करवाथी कर्मनुं कोई बंधन निर्माण थतुं नथी अने व्यक्ति पापनो भागी नथी थतो, नहींतर कर्मनुं बंधन निर्माण थाय छे। जेम के सुखनी लालसा होवी एक स्वाभाविक छे, परंतु सुख ने दुख साथे जोड़ायेला छे, तो पछी शुं दुखने इच्छुं? ना, तेने इच्छवाथी पण बंधन निर्माण तो थवानुं ज छे। अहीं कदाच स्वीकारनी भावना काम लागे छे, जे पण समय आवे तेमां दृढ़ बनी तेने स्वीकारी लेवानुं अने ते समय आपणा सारा माटे अने खुदने श्रेष्ठ बनावा आव्यो छे तेम समजवानुं। सामान्य व्यवहारो दृष्टिथी जोईशुं तो ज्यारे आपणी हार के पराजय थाय तो खूब खराब लागे छे अने आपणुं नुकसान पण केम सही शकाय। बिलकुल स्वाभाविक रीते आ योग्य थयुं तो न ज कहेवाय, पण ते थया पछी त्यां अटकी जवुं तेमां ज निहित थवुं पण योग्य नथी। एना करता हार जीत लाभ हानि सुख दुख बंनेने समान ज गणी तो केवुं सारुं। चाहे स्थिति कोई पण होय, पोताना आत्मामांथी स्फुरित ए अवाजने अनुसरी कर्म ज करीए जवानुं छे। शुं थशे ते आपणा हाथनी वात ज नथी, परंतु शुं कर्म करवुं ते तो चोक्कसपणे आपणा ज हाथनी वात छे। बंने स्थितिमां जे अद्भुत संतुलन साधी शके तेमज चलित थया वगर कर्म करीए जाय तेज खरो स्थित प्रज्ञ, अर्थात जेनी बुद्धि स्थिर छे ते।